नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके मारवा ट्रिक पर। रेट भर्ती को लेकर गोविंद सिंह टोडासरा ने क्या कहा है पूरी डिटेल इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी लेटेस्ट न्यूज लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एसओ जी जांच कर रही है, उस पे किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई इनपुट किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो वो एसओ जी को देना चाहिए। मैंने अभी भी कार पुनः कहता हूं कि जब मुझे ये लगेगा कि राजस्थान की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता इस सवाल का जवाब चाहती है, तो उस सवाल के लिए मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को और मेरी सरकार को निवेदन करूंगा कि ये लोग चाहते हैं ये जांच करनी चाहिए। मैंने कहा है ईमानदारी से कि इस बात के ऊपर पूरी तय में जाना चाहिए एसओ जी को और पूरी जांच करनी चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। आपने सबने देखा था कि जब मुख्यमंत्री जी रीट के दो दिन एग्जाम से पहले जब ले रहे थे तो मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने आग्रह किया था कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करने चाहिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं। मैंने ही तो कहा था, इससे पहले बीजेपी वाले भी तो कह सकते थे ना। उनकी कथनी और करनी में फर्क है, हमारी कथनी और करनी में फर्क है। हमारे नेचर में ईमानदारी है, हमारे कण कण में ईमानदारी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा, जिनके आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आए, युवा का बहुत बड़ा रोल है, उनको न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, उनको काम मिले और उनका विश्वास सरकार के ऊपर पूरा बना रहे, ये हमारी ड्यूटी में आता है, उसको हम पूरा बखूबी निभा रहे हैं। ये एक हो जाए ना बीजेपी बीजेपी भी तो भी कम से कम इनकी बात सुने तो उसके ऊपर अमल तो करे कोई आदमी। कोई तो कह रहा है एसओजी जे करा लो, कोई कह रहा है सीबीआई करा लो, कोई कुछ कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब आप बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के समय पेपर लीक या पेपर आउट के चर्चे नहीं हुए थे क्या? ये जो रीट हुई थी उसके 17 दिन धरने प्रदर्शन चले थे, आपको ध्यान में है? तो वसुंधरा जी आज सीबीआई की मांग कर रही है, उस टाइम तो दोनों कड़ियां भी यही कि कर लेती। सीबीआई की जांच जो वसुंधरा जी आज मांग कर रही है, उन वसुंधरा जी को चाहिए था कि उस टाइम सीबीआई को दे देती तो सारी चीजें जो वो जो सीबीआई से करवाना चाह रहे हैं वो सारा एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट सब पता लग जाता, कौन गिरोह क्या है, पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हो जाता कि नहीं हो जाता।